अरे हाय, गई मेरी बबरो, गई मजाक के अलावा। मतलब 5 रन बनाकर ये खुसरी, ये बाबर आजम साहब आउट होकर चले गए। मतलब एक ही दिन के ऊपर लोग कहते ना कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है। मेरे घंटे के फैंस, आज तुम लोग बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है? शर्म आनी चाहिए तुम लोग को ये बात करते हैं, बिकॉज आज विराट कोहली भी बैटिंग कर रहा है और बाबर आजम भी बैटिंग कर रहा है। जहाँ पर विराट कोहली ने 51 स्कोर किए हैं, वहां पर घंटा आजम ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन स्कोर किए हैं। फिर मेरे बगैर देखो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हम इनकी ऐसी की तैसी करते हैं। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड का मैच चला और उसके अलावा आरसीबी बामुकाबला एसआरएच मैच चला। मैच दोनों ही बड़े कीमती थे और आज यकीन करो मैं लैपटॉप की स्क्रीन अलग, मोबाइल के अलग, दूसरे के अलग सब कुछ लगा के पूरा मैच देख रहा हूं। एक जगह पे स्टैट्स चल रहे हैं, एक जगह पे पाकिस्तान का मैच, एक तरफ से आरसीबी का मैच। लेकिन मसला पता है क्या हुआ? मूड की ऐसी कम तैसी कर दी, जहां पर विराट कोहली ने मूड को बनाया और शानदार तरीके से अपने 50 स्कोर की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसने, एक और बार वॉरियर वाला काम किया। बिकॉज आरसीबी की पूरी टीम विकेटों में विकेटें गिरते जा रही थी, पूरी की पूरी टीम का मक्खन लग रहा था, लेकिन विराट कोहली और रजत पाटीदार ने जिस किस्म की पार्टनरशिप की, देखकर मजा आ गया। और पता चल रहा था कि कोई बंदा बैटिंग कर भी रहा है, किसी बंदे ने अपनी टीम के लिए लड़ना है, कोई बंदा अपनी टीम के लिए फाइट कर रहा है। और यहां पर पाकिस्तान में बॉलर्स की कुत्ते वाली धुलाई हो रही थी, यकीन करो पाकिस्तान के बॉलर्स की कुत्ते वाली धुलाई हो रही थी। एक एक पाकिस्तान का बॉलर मार खा रहा था और बड़े गंदे तरीके से मार खा रहा था। फिर यहाँ पर विराट कोहली ने 51 बनाए, मैंने जो है वो बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि भाई बहुत आउटस्टैंडिंग, देखो एक और बार। और मुझे पता था, मैंने ये मैच शुरू होने से पहले ही पिछली वीडियो में कह दिया था कि भाई विराट कोहली फाड़ के रख देगा, विराट कोहली इस मैच में आपको जीतता हुआ दिखाई देगा और ये मैच हो सकता है आरसीबी जीत भी जाए। और यकीन करो ये मैच 100% आरसीबी जीत रही है भाई। लेकिन मेरी बकरी, ये मेरी घंटा आजम, ये मेरी लूसी आजम, मतलब इससे जब एक्सपेक्टेशन करो ना, जब जब पाकिस्तान को जरूरत हो तब तब ये बंदा जाकर हक देता है। और आज एक बार फिर से इसने टट्टी कर दी है, टट्टी जैसा मुंह लेकर बाबर आजम आज एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए गए और फिर फेल हो गए, फिर जलील हो गए। फेल नहीं हुए भाई, बिल्कुल जलील हो गए, बिकॉज 5 रन बनाकर इंतहाई घटिया से बॉलर को इसने अपनी विकेट दे दी। मतलब ये अपनी विकेटें बांटने के लिए आया है, लोगों को रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड देने के लिए आया है। जहां पर आज पाकिस्तान को जरूरत थी कि घंटा आजम बैटिंग करे, कोई 179 का टारगेट था, तो जरूरत थी कि आपका कैप्टन, आपका जो मेन खिलाड़ी है वो बैटिंग करे, वो खड़ा हो, उसकी आपको सबसे जरूरत थी। ये सिर्फ आज का रोना नहीं है, ये हमारा रेडी रोना जो है वो पिछले कई सालों से चल रहा है। हम इस घंटे आजम से तंग आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बंदा ऐसा क्या देता है, उनके पिछवाड़े के साथ सोता है, क्या करता है ऐसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले इसको निकाल ही नहीं रहे। भाई ये देखो, हाथ जोड़ के गुजारिश है, पाकिस्तान के क्रिकेट को डिस्ट्रॉय मत करो। लोग कहते हैं कि यहां पर विराट कोहली से बेहतर है ये घंटा आजम। यार कहां से बेहतर है, ऐसा कौन से काम किया, मुझे एक बात बताओ भाई। ये खुसरी है, खुसरी ये बंदा नहीं है, ये बाबर आजम बिल्कुल फेलियर है। सबसे बड़ा घंटा बाबर आजम है, सबसे बड़ा घटिया क्रिकेटर इस टाइम पर बाबर आजम है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या समझा हुआ है, बाप बनाया हुआ लोगों ने ऊपर, किस परफॉर्मेंस के ऊपर बाप बनाया, ऐसा कौन सा काम किया बाबर आजम ने, मुझे भी बता दो। क्योंकि मेरे सामने तो ये घटिया इंसान ना कुछ टीम में करने के लायक है, ना जिंदगी में करने के लायक है, ना पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लायक है। ये बंदा फेलियर पे फेलियर किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने इसको बाप बनाया हुआ है बाबर आजम साहब को, कि ये हमारे बाप बने हुए हैं। यार बेगैरत के बच्चों, शर्म, अभी भी मैं यही बात कहूंगा, ये जो बाबर आजम के फैंस नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बार बार गालियां देते हैं और कहते हैं द रियल किंग बाबर आजम, द रियल किंग बॉब्जी, द किंग ये वो वगैरह, तो भाई ये किंग तुम्हारा क्या, करता क्या है, इस किंग का काम क्या है, जाके सिर्फ टट्टियां करना? मेरा दिल चाह रहा है ये बोतल जो है ना, मैं उसके अंदर वार दूं कसम से। इतनी अजीबो गरीब सी इसने कैफियत बनाकर रखी है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसती है जब हम इस बॉब्जी द घंटे को किंग बोलते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तो समझ आ गई, वर्ल्ड कप 2022 में जो विराट कोहली ने हमारा हाल किया था, मुझे उसके बाद समझ में आ गई, मैं समझ गया कि भाई क्रिकेट अब तक मैं बेवकूफ ही बन रहा था। बिकॉज पाकिस्तान में हमें 2% के क्रिकेटर लाकर दे दिए जाते हैं, कहते हैं कि आपके यही फॉलोअर्स हैं, आपके यही हीरोज हैं, आप इनको फॉलो करो और क्रिकेट सीखो। मैंने जब विराट कोहली को देखना शुरू हुआ, जिंदगी का मकसद ही तभी समझ में आया कि भाई हम तो अब तक बेवकूफ बन रहे थे, हमें तो अब तक जो है वो सी बनाया जा रहा था कि तुम लोगों को जो है यहाँ पर विराट कोहली तो ये ऐसे है, विराट कोहली तो वैसे है, विराट कोहली तो सेल्फिश है, ये है वो वगैरह। अबे जब विराट कोहली की बैटिंग देखी, इसने जो 82 ठोका था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, तब मुझे समझ में आया कि भाई विराट कोहली को देखो तभी आपकी जिंदगी बनेगी, उसी को देखो तो ही आपका वो बंदा जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में भी परफॉर्म कर सकता है और लीग्स में भी परफॉर्म कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, आज के मैच में आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच में विराट कोहली ने 51 किए, 36 बॉलों के स्ट्राइक रेट के 36 बॉलों में 51 किए। घंटे के फैंस के कमेंट सेक्शन में उसी वक्त बातें आ गई कि भाई ये क्या, आज तो विराट कोहली जल्दी आउट हो गया, आज के मतलब जल्दी आउट नहीं हुआ, आज तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देखो, 118 का, 119 का, 128 का स्ट्राइक रेट, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा चलो देखते हैं,
यहाँ तो फिर भी बॉलिंग की विकेट है ना, और ये विकेट जो है आरसीबी, जहाँ पर आज आरसीबी खेल रहा है, ये बॉलिंग विकेट है, बैटिंग विकेट नहीं है। ये बात हमने अपनी आंखों से देख ली कि भाई ये बॉलिंग विकेट है, यहाँ पर कोई भी बैट्समैन कामयाब नहीं हो पा रहा। वहां पर विराट कोहली ने 51 स्कोर किया और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, अपने सारे हेटर्स के मुंह के ऊपर जूते मारे। अब जो बैटिंग विकेट है, जिसके ऊपर न्यूजीलैंड के लुल्लु पुंजू छोटे मोटे बैट्समैनों ने मारा है और 50 पे 50 स्कोर की है, पाकिस्तान के बॉलरों का जनाजा निकाल दिया न्यूजीलैंड के बॉलर ने, वो हमें जो है यहाँ पर उस विकेट के ऊपर, ये जो सपाट विकेट के ऊपर बाबर आजम, घंटा आजम, नेपाल आजम, लूसी आजम, फूसी आजम, पद्दी आजम, ये बाबर आजम साहब जो है वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो है वो आज सेंचुरी करेगा, आज बाबर आजम 50 करेगा, आज लाहौर का क्राउड बड़ा इंजॉय करेगा, ये वो। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाहौर वालों के पास इतना टाइम है कि, क्योंकि कराची वालों के पास तो नहीं है भाई। कराची वाले तो जब घंटे आजम का मैच होता है लोग देखने तक नहीं जाते, लेकिन लाहौर वालों के पास इतना टाइम है कि वो इस घंटे आजम को देखने के लिए जाते हैं या इस पाकिस्तान जैसी फुद्दू टीम को देखने जाते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की टीम जस्ट फुद्दू है भाई, इनको क्रिकेट विकेट का कुछ नहीं पता, ये क्रिकेट में बिल्कुल एल लगने आए हैं। अभी भी जो मैच चल रहा है, लिख के रख लो, मुश्किल है कि पाकिस्तान जीते ले, और अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो उसकी एक वजह होगी कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, क्योंकि अगर बाबर आजम खड़ा रहता तो ये सेल्फिश बैटिंग करता, इतनी स्लो और इतनी घटिया बैटिंग करता कि पाकिस्तान को वैसे ही नुकसान लेना था। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि बंदा ये जो है आउट हो गया और पाकिस्तान जो है वो बेइज्जती से बच गया, क्योंकि एक तरीके से अगर विराट कोहली स्लो बैटिंग करता है तो भाई वो टीम को लेके चलता है, उसकी टीम के बाकी मेंबर्स परफॉर्म करते हैं, उसकी टीम फिर भी 200 के पार जाती है, और एक तरफ हमारा घंटा खड़ा हो जाता है। तो मुझे एक मैच वो याद नहीं आता कि जिसमें बाबर आजम ने जो है वो बैटिंग की हो और पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया हो। जब जब बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है या जब जब बाबर आजम ने जो है कोई 50 स्कोर की या 100 स्कोर की, तब तब उल्टा पाकिस्तान टीम को नुकसान ही हुआ है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर भाई कि बाबर आजम ये करेंगे, बाबर आजम वो करेंगे, अभी भी पाकिस्तान के हारने के चांसेस हैं। और ये बंदा कप्तान है पाकिस्तान टीम का, और ये बात मेरी लिख के रख लो, जब तक बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान रहेगा, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क होता रहेगा, किसी का बाप भी पाकिस्तान टीम को सुधार नहीं सकता है। आज लाहौर में मैच है, लोग पिंडी मैच कह रहे थे, लेकिन आज लाहौर में मैच है, ये बाबर आजम का होम ग्राउंड है, बाबर आजम लाहौर का है, बाबर का होम ग्राउंड है। और बाबर आजम की इतनी वाहियात परफॉर्मेंस देने के बाद हर लाहौरी बाबर आजम को गाली दे रहा होगा, हर लाहौर वाला बाबर आजम को जो है चपड़कंजू और अजीबोगरीब सी गालियां दे रहा होगा, ऐसी ऐसी गालियां जो बाबर आजम ने खुद कभी नहीं सुनी। फिर लोग कहते हैं कि यार बाबर को गाली मत दो, बाबर बड़ा पाकिस्तान का परफॉर्मर है। तो भाई जब परफॉर्मर है तो करके दे। आज विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है ना, विराट कोहली अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं आरसीबी को बचाने की, लेकिन ये घंटा आजम, ये बाबर आजम साहब जो है ये करके दे रहे हैं ऐसी परफॉर्मेंस, ये क्यों नहीं करके दे रहे? 5 रन, ये इन्होंने रन्स बनाए हैं, 3 मैचेस हो गए, 3 मैचों में एक भी 50 स्कोर नहीं किया बाबर आजम ने, एक भी 50 स्कोर नहीं किया। लोग कहते हैं बहुत बड़ा किंग है, बहुत बड़ा घंटा है, ये वो वगैरह वगैरह, भाई ये बंदा फुद्दड़ था, फुद्दड़ है, ये बंदा फुद्दड़ ही रहेगा, ये बंदा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और जितने उसके फैंस हैं ना, उनके मुंह पर ये विराट कोहली जूते मारता ही रहेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।